अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम प्लेयर। तो आज मैं आपको टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 154 GTA 5 में रिप्लेस करने का तरीका बताऊंगा, और इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से इसको इजीली डाउनलोड कर लेना है। और ये गेमिंग मोडिंग वेबसाइट का नाम है जिसके ऊपर ये इसका मॉडल पड़ा हुआ है। तो आपने इसको डाउनलोड यहाँ से कैसे करना है, आपने ये जो येलो कलर का इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सिंपली यहाँ पर ये आपसे थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें, यू कैन डाउनलोड फाइल वी आई ए 15 सेकंड से अब 12 सेकंड में रह जाएगी। तो जैसे ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाती है तो इसके आगे हम इसको कैसे गेम में इंस्टॉल करेंगे वो भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखें, ये कह रहा है डाउनलोड ऑटो इंस्टॉलर और डाउनलोड अरेची विद फाइल। हमें ये डाउनलोड अरेची विद फाइल में ये फाइल चाहिए, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये फाइल जो है शो हो जाएगी डाउनलोडिंग की। तो यहाँ से हमने स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये हमारे पास फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। तो इसके बाद हमने इसको मिनिमाइज कर देना है। आप यहाँ पर आपने अपनी यूजर फाइल में आ जाना है, इसके बाद यहाँ पर आपने डाउनलोड फाइल में आ जाना है, इसके बाद आपने कंप्रेसर फाइल में आ जाना है, और यहाँ पर फिर आपने ये जो टोयोटा लैंड क्रूजर या मॉडल है इसको हम यहां से उठाकर डेस्कटॉप के ऊपर ले आते हैं और इसको हम इंस्टॉल करेंगे ओपन आईवी की मदद से। आपने ओपन आईवी को ओपन कर लेना है, यहां पर GTA 5 के ऊपर क्लिक कर देना है, यहां से आप एडिट मोड के ऊपर क्लिक कर देना है, यस कर देना है, यहां पर मूड फोल्डर में आ जाना है और यहां पर आपने X64ERPF को ओपन करना है, यहां पर लेवल को ओपन कर लेना है, GTA 5 को ओपन कर लेना है, व्हीकल्स RPF को ओपन कर लेना है। और यहां पर इस फाइल को अब हम ओपन कर लेते हैं, और इस फाइल में हमारे पास ये टोयोटा 188149 ये इसका जो फाइल का नेम है। उसके बाद यहां पर इसको टू इंपोर्ट टू व्हीकल RPF यहां पर इसको हम क्लिक कर लेंगे। यहां पर ये देखें लैंड स्टॉलकर के नाम से ये फाइलें हैं हमारे पास, तो इसको हम सबसे पहले रीनेम करके कॉपी करते हैं इसका नेम और ओपन आईवी में इसको सर्च करते हैं किस गाड़ी के साथ इसको रिप्लेस करना है। तो हमारे पास ये जो गाड़ी है इसके साथ ये रिप्लेस होगी, तो अभी हम इसको इसके साथ रिप्लेस करते हैं और चेक कर लेते हैं। ये 3 फाइल हैं हमारे पास, इनको आपने यहाँ से सिलेक्ट करके तीनों को और कॉपी इधर कर देना है मूड फोल्डर में। तो यहाँ से अब हम ये जो EYTF तक इसको ख़त्म कर देते हैं और ये 3 फाइलें जो हमारे पास शो हो जाएंगी यहाँ पर, अब इसको चेक करते हैं हम। तो ये देखें, ये हमारे पास वो मॉडल ऐड हो चुका है टोयोटा लैंड क्रूजर का प्राडो का। तो इसके बाद नेक्स्ट फाइल ये सेम वही है, तो इसमें ये इसके टेक्सचर वगैरह हैं ये चेक कर सकते हैं हम। तो अब हम इसको गेम में लोड करके चेक कर लेते हैं, क्लोज करते हैं सारी फाइलों को और अपनी गेम को हम लोड कर लेते हैं। जी हाँ, हमारी गेम प्ले हो चुकी है, अभी इसको घर के बाहर लेके चलते हैं। और यहाँ पर F8 की मदद से मेन्यू ट्रेनर को ओपन करते हैं, यहाँ पर व्हीकल ऑप्शन के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर व्हीकल स्पिनर के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर इनपुट मॉडल के ऊपर हम आ जाएंगे और यहाँ पर उस गाड़ी का नाम सर्च करेंगे LANDTACKER। तो ये हमारे पास ये गाड़ी लोड हो चुकी है, तो ये आप चेक कर सकते हैं, बेहतरीन मॉडल है ये और बहुत ही ज़बरदस्त, और इसकी जो फंक्शन भी बहुत अच्छी है मॉडल की। इसके बाद थोड़ा सा इसको हम अपग्रेड करते हैं, और तो पहले हम साइड के ऊपर लगा लें यहाँ पर अपने गैराज के सामने, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर इसको अब हम थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं, मेन्यू कस्टम में आ जाना है, व्हील, यहाँ पर स्पोर्ट्स, और यहाँ पर हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त व्हील मॉडल पड़े हुए हैं। ये कौन सा है, ज़बरदस्त है लेकिन उसके टायर नहीं सही। तो इधर हम लोडर में आकर चेक करते हैं, नहीं ये भी नहीं, इसी में क्रोम वाले देखते हैं, ये ज़बरदस्त है ये व्हील। इंजन है, ब्रेक्स, ट्रांसमिशन, हॉर्न, सस्पेंशन है और पेंट इसमें हम इसका जो वाइट कलर करते हैं, थोड़ा सा पहले हम वेदर को चेंज कर लें, वेदर टाइम जो डे का कर लेते हैं, नाइट के वक्त
लुक नहीं आ रही इसकी। अब ठीक है, क्लासिक यहाँ पर मेटैलिक में आकर फ्रॉस्ट वाइट, ये नहीं अच्छा लग रहा है। और यूटिलिटी में आकर ब्लैक, ब्लैक बेहतरीन, ब्लैक कलर बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इसके ऊपर। अब इसको बैक करते हैं और विंडोज़ को ब्लैक करते हैं यहाँ पर। ग्रेट, चेक करें अपनी अलग फिनिशिंग आ रही है गाड़ी की। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा में क्या है, एक्स्ट्रा में हमें क्या मिला है, एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद टर्बो को ऑन करते हैं, एक ज़ोन लाइट को ऑन करते हैं, और यहाँ पर जो नंबर प्लेट, चलो कोई भी रहने दे। इसके बाद यहाँ पर हाउस पावर भी इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब गाड़ी को ड्राइव करके चेक कर लेते हैं। ड्राइविंग भी बहुत स्मूथ है यार गाड़ी की। इसको ऑटो पे लगा के चेक करते हैं। और इसका जो वेदर नेचुरल करते हैं यहाँ पर, और ऑटो ड्राइव के ऊपर इसको लगाते हैं। स्पीड इसकी कम कर लेते हैं 50%। और अब चेक करते हैं, ओह शिट, इस मोड को ऑफ कर दें। अब चेक करते हैं, इंडिकेशन भी इसके वर्किंग करते हैं। हेडलाइट बेहतरीन है, हेडलाइट भी। तो जैसे मैंने इसको डाउनलोड किया वैसे आप इसको डाउनलोड करें, और जैसे मैंने इसको रिप्लेस किया आप इसको वैसे ही रिप्लेस करें और गेम में इंस्टॉल करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आपने वहाँ से इसको ईज़िली डाउनलोड कर लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।